सम्मानितों को प्रणाम करते हुए श्रोतागण से को संबोधन में एक भारत माता की स्तुति चार पंक्ति की प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक हो गया सर? हाँ हाँ। जिसके आगे भारत माता की स्तुति है कि जिसके आगे स्वर्गपुरी भी लगती जैसे बांधी है, जिसके आगे स्वर्गपुरी भी लगती जैसे बांधी है, जिसका कंकर कंकर हीरा मोती सोना चांदी है, उस अपनी भारत माता पर कैसे मुझको गर्व न हो, जिसका बेटा भगत सिंह है, जिसका बेटा गांधी है। वाह 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 वाह। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त को आज 75 वर्ष हुआ, आज हम आज़ाद, आज ही के दिन 75 वर्ष में हम आज़ाद हुए थे, और मैं भी माँ के पेट से 15 अगस्त के दो चार दिन पहले ही आज़ाद हुआ था। मैं भी 75 का हूँ, 15 अगस्त भी 75 का है। वाह 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 वाह। तो इस तरह मेरी उम्र 75 वर्ष हो गई है, पर मैं किसी तरफ का मेकअप नहीं किया, ज्यों का त्यों आपके सामने खड़ा हूँ, अलमस्त हूँ। तो चाहता तो मैं भी जवान हो जाता, पर ऐसा नहीं किया। उम्र को ढक बड़ी सफाई से, उम्र को ढक बड़ी सफाई से हो गए फिर जवान डाई से, उम्र को ढक बड़ी सफाई से हो गए फिर जवान डाई से, पर जवान होने हाँ। अब मैं आपको अपनी इस उम्र ढलती हुई उम्र पर दो पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। भाई साहब थोड़ा गौर फरमाए, गौर से सुने। तो क्या है कि उम्र का रास्ता ढलान पे है, उम्र का रास्ता ढलान पे है, हौसला फिर भी आसमान पे है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह भैया। उम्र का रास्ता ढलान पे है, हौसला फिर भी आसमान पे, क्या बात है, क्या बात है। अपने को संबोधित करते हुए चार पंक्ति हमने कही है कि जो भी कहना है बस वही कहना। वाह 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 वाह। जो भी कहना है बस वही कहना, पेशबंदी से काम मत लेना। पेशबंदी यानी भूमिका। जो भी कहना है बस वही कहना, पेशबंदी से काम मत लेना। दरअसल मामला ये दिल का है, दरअसल मामला ये दिल का है, अक्लमंदी से काम मत लेना। वाह 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 वाह। जो भी कहना है बस वही कहना, पेशबंदी से काम मत लेना। दरअसल मामला ये दिल का है, अक्लमंदी से काम मत लेना। इसी तरह भाई साहब जमाना जीने नहीं देता, अच्छा करिए तब भी, बुरा करिए तब भी। इस पर दो पंक्ति मेरी है, गौर फरमाइएगा कि जब मैं कड़ुआ था तो सबने नीम समझ मुँह फेर दिया। सुनिए, जब मैं कड़ुआ था तो सबने नीम समझ मुँह फेर दिया, और अब जब मीठा हुआ तो मुझको गन्ने जैसा पेर दिया। जब मैं कड़ुआ था तो सबने नीम समझ मुँह फेर दिया, और अब जब मीठा हुआ तो मुझको गन्ने जैसा पेर दिया। इसी तरह अपने नौजवान भाइयों पर कुछ पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ, गज़ल के कुछ अशार पेश से खिदमत है कि जिंदगी उनके संग होती है, जिंदगी
उनके संग होती है जिसके दिल में उमंग होती है। जिंदगी उनके संग होती है जिनके दिल में उमंग होती है। शेर है कि गैर लड़ते तो कोई बात न थी, गैर लड़ते तो कोई बात न थी, आज अपनों से जंग होती है। वाह भाई वाह वाह। शेर है ये काबिले, ये मेरी गजल की जान है शेर कि देखते हैं जो छेद औरों के, देखते हैं जो छेद औरों के, उनके घर में सुरंग होती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखते हैं जिंदगी उनके संग होती है वाह, जिनके दिल में उमंग होती है। इसी तरह गजल के चंद अशार और पेश कर रहा हूँ कि तन को ढकने की कोई चीज तो है, क्या बात है। तन को ढकने की कोई चीज तो है यार, घुटने तलक कमीज तो है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तन को ढकने की कोई चीज तो है यार, घुटने तलक कमीज तो है। बेअदब दोस्त से अच्छा है वो, बेअदब दोस्त से अच्छा है वो, दुश्मनी की उसे तमीज तो है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। बेअदब दोस्त से गजब, गजब, गजब। अच्छा है वह, दुश्मनी की उसे तमीज तो है। अब हासिले गजल शेर सुना रहा हूँ, साहब गौर फरमाइएगा कि सारा खलिहान जल गया तो क्या, सारा खलिहान जल गया तो क्या, मेरी मुट्ठी में बंद बीज तो है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। तन को ढकने की कोई चीज तो है यार, घुटने तलक कमीज तो है, और सारा खलिहान जल गया तो क्या, मेरी मुट्ठी में बंद बीज तो है। और बैठी हैं हमारी श्रीमती भेड़िया जी, तो इनके सम्मान में दो पंक्ति कह दे रहा हूँ कि खुशबू जैसे फूल से आती है। वाह वाह वाह। खुशबू जैसे फूल से आती है, बिटिया जब स्कूल से आती है। वाह 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 वाह, अरे वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। खुशबू जैसे फूल से आती है, बिटिया जब स्कूल से आती है। इसके पश्चात देखिए, बारिश का मौसम है, हमारा सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ में सूखा रह गया, यहाँ तर था वहाँ सूखा था, पर अभी ऐसा पानी बरसा कि अंबिकापुर रायपुर रोड बह गया, गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई। तो उस पर चार पंक्ति है कि सर के ऊपर फूस की छानी तो है, सर के ऊपर फूस की छानी तो है, तो है आपकी इतनी मेहरबानी तो क्या है। बात है, क्या बात है। सर के ऊपर फूस की छानी तो है, आपकी इतनी मेहरबानी तो है, बच गए सूखे से हम तो क्या हुआ, बच गए सूखे से हम तो क्या हुआ, डूबने को बाढ़ का पानी तो है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। बच गए सूखे से हम तो क्या हुआ, डूबने को बाढ़ का पानी तो है। देखे नीत पर कि सिर्फ गठरी भर गृहस्थी ठीक है, सिर्फ गठरी भर गृहस्थी ठीक है, सर पे ढो लेने में आसानी तो है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। सर के ऊपर फूस की छानी तो है, आपकी इतनी मेहरबानी तो है, क्या सिर्फ गठरी भर गृहस्थी ठीक है, सर पे ढो लेने में आसानी तो है, आपकी इतनी मेहरबानी तो है। साथ शेर है कि साथ उनका हमें कबूल नहीं,
साथ उनका हमें कबूल नहीं, जिनका अपना कोई वसूल नहीं। वाह 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 वाह। तो वसूल पर बात आई तो दो पंक्ति सुना रहा हूं। मालिक मुझे जहान का, दो पंक्ति प्रार्थना है प्रभु से, दुआ है कि मालिक मुझे जहान का सरताज मत बना, मालिक मुझे जहान का सरकार सरताज मत बना, लेकिन किसी के सामने मोहताज मत बना। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मालिक मुझे जहान का सरताज मत बना, लेकिन किसी के सामने मोहताज मत बना। क्या बात है, इसी तरह एक गजल के चंद शेर। बहुत बढ़िया, पेशे खिदमत है। देखे छोटे छोटी बहर की गजल है, जब स्वागत स्वागत सच से पाला पड़ जाता है। क्या बात है, जब जब सच से पाला पड़ जाता है, मुंह में क्यों ताला पड़ जाता है। वाह 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 वाह। जब सच से पाला पड़ जाता है, मुंह में क्यों ताला पड़ जाता है। शेर है, गौर फरमाइएगा कि सच के गांव नहीं जाती गाड़ी। वाह वाह। सच के गांव नहीं जाती गाड़ी, रास्ते में नाला पड़ जाता है। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। सच के गांव नहीं जाती गाड़ी, रास्ते में नाला पड़ जाता है। अब फूलों की गलियों में चलने पर, फूलों की गलियों में चलने पर पाँव में छाला पड़ जाता है। वाह 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 वाह। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। जिन गर्दन में पड़ना था फंदा, जिन गर्दन में जिस गर्दन में पड़ना था फंदा, क्यों उसमें माला पड़ जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिस गर्दन पे पड़ना था फंदा, क्यों उसमें माला पड़ जाता है। सच से जब पाला पड़ जाता है, क्यों मुंह में ताला पड़ जाता है। ये गजल देखी सुना करके फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा। तो गजल ये है कि है ये कतरे में समंदर भी, झांक कर देखो। है ये कतरे में समंदर भी, झांक कर देखो। कभी तो लफ्ज के अंदर भी झांक कर देखो। क्या बात है, वाह वाह वाह। सिर्फ सड़कें ही न देखो गजल की वादी में, सिर्फ सड़कें ही न देखो गजल की वादी में, मेरे ख्याल के मंजर भी झांक कर देखो। वाह वाह वाह। यूं तो शैतान का घर है ये दिल, मगर इसमें है एक मस्त कलंदर भी, झांक कर देखो। वाह वाह वाह। इसी तरह एक और शेर इसका कहूंगा, इसके गौर चाहूंगा इसमें आप लोगों का, कि जमीन को जंग में करना फतह मगर पहले, जमीन को जंग में करना फतह मगर पहले, है इसमें दफन सिकंदर भी, झांक कर देखो। वाँ वाँ कभी तो लफ्ज के अंदर भी, झांक कर देखो।